सरबत दा पला चैरिटेबल ट्रस्ट, मैं समझता कि एक इट इज़ ए यूनिक ऑर्गेनाइजेशन इन आर स्टेट एज वेल इन द कंट्री, और जिहड़े इन्हें चला रहे वह भी एक यूनिक परसनैलिटी है मेरे ख्याल से, एक खास ऐसा ह्यूमन बीइंग जिहड़ा रब ने साडे पंजाब नूं साडे देश नूं दिता, एस पी सिंह ओबराए। ये जनून है इन्हों सेवा करने का, और वी हैव सीन मैनी चैरिटेबल पीपल दोज आर डूइंग इट, बट दे आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ द नेम ऑल्सो, बट दिस मैन आफ्टर अर्निंग से 100 रुपीज़ 90 रुपीज़ ही गिव्स टू द सोसाइटी, विच इज़ आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग फॉर एनी पर्सन हु इज़ लिविंग। एट लीस्ट आई हैव नॉट सीन एनी पर्सन फॉर लास्ट सो मैनी ईयर्स। मेरे वास्ते होर खुशी की गल है कि ये मेरे इलाके के जमपल है, असी इकट्ठे इको इलाके के जमे हैं। ये बहुत उपर निकल गए, रब दे इन्हां पर बहुत कृपा है, और मैं समझदा कि ये इदां ही करते रहेंगे। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इन्होंने इत्थे सपोर्ट की, देर आर एज मैनी एज मे बी मोर दैन 70 ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। माई एसोसीएशन स्टार्टड विद हिम जिसल मैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी सेवा कर रहा था, तो मैंने उस ये आए पहली बारी वैन ही रेनोवेटेड आर वन ऑफ द कैंसर वार्ड, एंड दैन उस बाद एक लड़ी जी लग गई भी जिद ने एक सानू 90 बैड की सराह दी, जिद कैंसर के पेशेंट उत्थे रहिंदे एंड दे आर गिवन फ्री बैड एंड द फूड इज़ ऑलसो गिवन देयर। ये उस पिछड़े इलाके की एक ऐसी सौगात इन्होंने देती जिदे करके कि वो इंस्टीट्यूशन जिहड़ी कि सेवा कैंसर की काफ़ी कर रहा था, उस उस पेशेंट्स नो होर भी मदद मिली। पर दैन जिथे भी असी इन्होंने रिक्वेस्ट की भी कोई तुसी लबोरटरी खोल दो, उत्थे लबोरटरी खोली इन्होंने, जिथे किसी ने कहा भी जिदा हम अज देख रहे हैं फिजियोथेरेपी सेंटर डेंटल क्लीनिंग। आई थिंक दीज आर ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिकॉज सरकार सारा कुछ नहीं कर सकती, असी देखिया है इन माई जॉब भी सरकार सारा कुछ नहीं कर सकती, फिर जे एन जी ओज या वो बंदे जिन्हें दिल है जिन्हें दिमाग उस मन है अपना सेवा करने का, जो उ अगे आन ता ही सिर जी पूर्ति हो सकती, अदरवाइज मैं लगता भी असं पिछे रहेंगे। पर ये नाल नाल मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्हें कि फैसिलिटीज इन्होंने क्रिएट कीतियां ये शुड बी यूज बाई पीपल प्रॉपरली, और मेरे जो डॉक्टर साहबान जोड़े इतने है वो दे शुड सी दैट द इन्वेस्टिगेशन दे आर डन फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन रादर दैन सेंडिंग द सैंपल्स टू आउटसाइड, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वुड ग्रो ओनली भी जे ये लबोरटरी दी फैसिलिटीज़ जिहड़ियां है वो यूज़ होन रादर दैन साइफनिंग आउट फ्यू पेशेंट टू द अदर प्लेसिस। दिस माई रिक्वेस्ट बिकॉज आई हैव लर्नड मैनी टाइम्स भी जेडे भी डॉक्टर होंगे दे हैव डिफ, एक्चुअली मैं डॉक्टर कम्यूनिटी को बिलोंग करता, मैंने पता डॉक्टर दियाँ क्या क्या कमजोरियाँ है क्या नहीं है, पर यह भावना क्योंकि ये जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन गुरुद्वारा साहब के बिच स्थित है, तो मैं लगता भी सारे की डॉक्टर की भी जो पेशेंट्स है और जो बाकी जो बंदे है उन्होंने मानसिकता ठीक रहेगी। एको ही मुद्दा रहेगा भी असी सेवा सरबत की करनी है और ये करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस नाल ओबराए साहब एक ऐसे मिशन से निकले कि जड़ा अगर असी गिणन लगीए तो गिणती नहीं हो सकती, एक बंदा इन्ना उत्साही हो रब इनू दे अगे वंडे, एक गुरबाणी ने तो क्या दमड़ा तिशी का खर्चे और खाए होता ना राके देवे खुदाए, ये वो है ओबराए कि जो गुरु देंदा मैं रखना नहीं मगे बनना। और जिहड़ी ये लहर चलाई है हुण लैबोरेटरिया की, हर गुरुद्वारे दे नाल लैबोरेटरी देखो किन्ना लोगों नूं आराम होना, अजकल देखो लोग किवें लुटते हैं जाके देखो ब्लड टेस्ट कराने दे की हाल है। सो ये जिहड़ी नवीं स्कीम चलाई है ये बड़ी लोगों नूं सहायत होएगी, डेंटल है जिन्नियां भी सहूलत गुरुद्वारों के नाल हो गुरुद्वारा ये गुरु की बख्शिश होगी। असल सेवा ही यह है सी कल ठीक है धर्म का काम करते हैं, लेकिन धर्म यह है कि गरीब की मदद किवें हो। सो ये जरा अज नवा इस 34 सेक्टर के गुरुद्वारे ने उद्यम किया है ओबराए साहब इकट्ठे होकर, यह बहुत वड्डी सेवा और मैं लगता है बड़ा लाभ लोगों को होएगा, और लोग धन धन गुरु नानक करे इतने आने गुरुद्वारा साहब मत्था भी टेकणगे नाल करनगे, ते ओबराए साहब नूं मुबारक देना मैं कि ये सेवा वो लगातार करते रहे। सर अज जी इत सैक्टर 34 सेवावां कीती गईआं उहदे बारे दस्सो। सरबत दे भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों कुछ टाइम पहला जिहड़ी सी गुरुद्वारा साहब की कमेटी नाल एक मीटिंग की गई सी,
सैक्टर 34 गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा से उदों पूरा सर्वे करके होया सी कि एक लैबोरेटरी दी इत्थे जरूरत है, लैबोरेटरी खोली जाए। सो लैबोरेटरी ऑलरेडी स्टार्ट करती सी सरबत दे भले चैरिटेबल ट्रस्ट वालों, तो नाल दी नाल जिहड़े दो जिथे खड़े हैं फिजियोथेरेपी सेंटर है और परले बन्ने डेंटल क्लीनिक है। सो इन्हां दा काफ़ी समान इन्हां कोल आया होया सी, लेकिन वो डंप किया सी, बंद सी, ऑपरेशन च नहीं सी। तो उदों ट्रस्ट ने कहा कि असी आहिस्ता आहिस्ता जिहड़ियां असी डॉक्टरों ने अरेंज करके जिहड़े भी इक्यूपमेंट शॉर्टफॉल हैगा असी उन्हों पूरा करके तैनूं अज स्टार्ट कर देंगे। असी अज फिर साडे बहुत ही सत्कारयोग वाइस चांसलर साहब डॉक्टर राज बहादुर जी ने उहदा उद्घाटन किया, तो अज पब्लिक नूं समर्पित कर दित्ते दोनों ये। इस तों बाद जिहड़ा दो तीन प्रोजैक्ट होर हैगे ने, इत्थे एक असी प्रोमिस किया होया कि जिहड़ा डिजिटल एक्सरे लाना वो गुरुद्वारा कमेटी ने नाल दे पासे एक बिल्डिंग जिहड़ी सी उहनूं बना के तैयार कर दित्ती होई है, 10-15 दिनां च उत्थे एक्सरे जिहड़ा वह भी लग जाएगा। इस तों इलावा एक होर डिमांड सी, क्योंकि इत्थे घट्टो घट 30 डॉक्टर ने जिहड़े सेवावां निभा रहे ने शाम नूं गुरुद्वारा साहब च। गुरुद्वारा साहब दे नाल एक अलीशान इन्हां ने होस्पिटल पूरा बनाता होया, सो एक कमेटी का बड़ा थैंक्स करते हैं कि सानू भी जिहड़ी जगह दित्ती इत्थे, बहुत सहयोग है कमेटी का। एक अल्ट्रासाउंड की डिमांड की जा रही है, तो इस तो बाद नाल ही असी अल्ट्रासाउंड जिहड़ा वह भी असी इत्थे मुहैया करा के, सो कोशिश करांगे मैक्सीमम जिन्नियां सहूलतां असी जिहड़ियां इस गुरुद्वारा साहब, क्योंकि सेंटर प्लेस है ये, सो जिन्नियां सहूलतां असी दे सकांगे, बिल्डिंग इन्हां कोल हैगी है, असी एक ना एक ऐड करके तो इहनूं वधांदे जावांगे। डॉक्टर साहब जिवें डेंटल की आप गल करिए, डेंटल के जिहड़े हैगे जिन्ने भी उहदे ते आपां वर्क हुंदा है काफ़ी कॉस्टली होंगे, किन्ना क डिफरेंस है बाहर दी मार्केट तो इस डेंटल क्लीनिक। देखो साढ़े तो कोई भी साढ़े जो प्रोजेक्ट है जी, चाहे वह डायलिसिस के होए ने, चाहे साढ़े लैबोरेटरी के होए ने, चाहे हुण साडा फिजियोथेरेपी सेंटर का होया, तो जां फिर साडा डेंटल का, साढ़े रेट लिस्ट लगी हुई है। तकरीबन साडा काम हुंदा 10-12% मार्केट नालों, अगर मार्केट कोई चीज़ 100 रुपये की आ रही तो साढ़े 11-12 रुपये की होएगी, तो उही हिसाब इतने असं जो फिजियोथेरेपी रेट तुम देखोगे 15-20 रुपये इस तरह रखे है। फुल डे जो चार्ज रखे असं 100 रुपये रखे, अगर असं उन्होंने हफ्ते का देंगे है तो 600 रुपये हो गया, अगर 15 दिन की गल करते तो फिर 1100 रुपया हो गया सारा। सो इस तरीके कोशिश है कि आम आदमी जरा आम पेशेंट जरा इतने आके फायदा उठा सके। इस तरह डेंटल रेट भी साढ़े बहुत घट ने मार्केट नालों, साढ़े कह लो तुम कि 15% तक असं जो काम है, और वैल क्वालिफाइड साढ़े डॉक्टर है जी, सा डेंटल की डॉक्टर हैगी जी मेन डॉक्टर है, वह घट्टो घट 15-16 साल का एक्सपीरियंस है वह, इस तरह फिजियोथेरेपी के भी ना, तो सारे जे असी टैक्नीशियन रखते हैं कोई या डॉक्टर रखते हैं बहुत वैल क्वालिफाइड है। इतने एक फायदा यह है कि बाकी जे भी डॉक्टर आते सारा सहयोग दे रहे हैं, सो वो एक सू हो